हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्रेस्टिजियस चैनल दैट इज नीट यूजी इंटेल, जहां पर हम आपके लिए 10-10 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस लेकर के आएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के होंगे। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ आदित्य गुप्ता, बच्चे मुझे एडी सर के नाम से भी जानते हैं। मुझे 5 से ज्यादा साल हो गए कोटा के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हुए। मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। दिस समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। प्लस का मतलब है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स ऐड होते चले जाएंगे। आपको यहाँ डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा फॉर ऑल द कोर्सेस एंड ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आपका कोई लेक्चर छूट गया है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाकर के उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, दैट इज आपकी स्ट्रीम नीट यूजी। आप नीट यूजी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही जाएंगे आपको वेरियस सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको बोलता हूं आप 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के साथ जाएं। जितने ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसकी फीस होती है 30,000 रुपीज। वहां यदि आप कोड यूज करते हैं AG10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। और आप मेरे स्पेशल बैच कोहिनूर स्टूडेंट्स वाले जो बैच रहता है, यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं तो उस बैच में आपको सीधे एंट्री मिल जाती है। यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फीस, मतलब आपको 12 मंथ में 1 मंथ की फीस और पे करनी है और आपको पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन और मिल जाता है। उसकी फीस होती है 36,000 रुपीज। उसमें भी यदि आप कोड यूज करते हैं AG10 तो फिर से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको एक और फायदा है, आपको मेरी मेंटोरशिप मिलती है। मैं आपको अपने स्पेशल ग्रुप दैट इज अ कोहिनूर स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड करता हूं, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप रहता है और उसमें उन बच्चों का सिलेक्शन फॉर श्योर के वहां पर हम गारंटी लेते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। वहां पर सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारी सुपर ट्रिक्स देने वाला हूं, जिससे आपको सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन कभी याद नहीं रखना पड़ेगा। सीधे आप ट्रिक्स से अपने हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो सब बच्चे इस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से देखें क्या क्या इसकी ट्रिक्स हैं। सबसे पहली बात, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूं कुछ कंपाउंड्स क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में अपने आपको चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं H2O की, H2O सॉलिड इज H2O, बट H2O लिक्विड आप सब जानते हैं कैसे एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में। मतलब H2O लिक्विड में पानी की क्या होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी होती है। इसकी क्या टेंडेंसी होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन की, ये खुद से ही आयोनाइज हो जाता है। इसी तरीके से कुछ कंपाउंड सॉलिड स्टेट में अपने आप को क्या कर लेते हैं, आयोनाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं PCl5 सॉलिड की, आपके पास PCl5 सॉलिड है। क्वेश्चन आता है कि भाई PCl5 सॉलिड जो है वो कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। PCl5 सॉलिड है, उसके केटायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसके एनायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप ये कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं आप कैसे याद रख सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपका PCl5 है, आप यहां से एक एनायन निकालो। मैंने यहां से Cl माइनस निकाला, क्या बचा, PCl4 प्लस बचा, मैंने इसको एज इट इज यहां पर रख दिया। अब Cl माइनस इस PCl5 से पूछेगा कि भाई तू मेरे से जुड़ेगा क्या, PCl5 ने बोला हाँ भाई क्यों नहीं जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम से जुड़ जाएंगे। जैसे ही Cl माइनस उससे जुड़ेगा और क्या बनेगा, PCl6 माइनस। अब पूछते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 कैटायनिक पार्ट का, और एनायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। सिमिलरली आप ज्योमेट्री बता देंगे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है, मैं आपको बोलूं कि बताओ PBr5 सॉलिड में इसके केटायनिक और एनायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप खुद बोलोगे कि सबसे पहले आप Br- निकालो। जैसे ही Br- निकाला क्या बचा, PBr4 प्लस बचा, आपने इसको यहां पर एज इट इज रख दिया। अब Br- ने PBr5 से पूछा कि भाई तू जुड़ेगा क्या, PBr5 ने साफ मना कर दिया क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग के Br का साइज बढ़ गया, तो Br- यहां पर अकेला ऐसे की ऐसे रह जाएगा।
आई होप आपको ये बहुत ट्रिक बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप मेरी ट्रिक्स देखते चले जाएं। फिर आपके पास आता है XZF5। अब आपके पास जैसे ही XZF6 सॉलिड आया, यहां से आप केटायन बना दोगे। आप केटायन मुझे पता है सब कमेंट करेंगे क्या बनाओगे बेटा आप केटायन, आप केटायन क्या बनाओगे, जल्दी सब बच्चे कमेंट करें। आप बनाओगे XZF5 पॉजिटिव। F- निकाला आपने, अब F- से पूछेगा तू जुड़ेगा क्या, इसने साफ मना कर दिया नहीं जुड़ेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग। समझ में आ रही है मेरी बात। वैसे भी XZF7 नेगेटिव जैसी कोई ज्योमेट्री हमें मिलती ही नहीं है, 7+1 वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है यहां पर N2O3। नाइट्रोजन वाले केस का क्या ट्रिक होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखना। N2O3 सॉलिड आपके पास है, N2O3 सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करता है समझना। जैसे कि आपको पता है केटायन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एनायन के पास, तो हम जानते हैं केटायन के पास इलेक्ट्रॉन कम और एनायन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो वही अपन को करना है, केटायन को ऑक्सीजन कम देने है, एनायन को ऑक्सीजन ज्यादा देने। सबसे पहले आप NO पॉजिटिव लिखो और NO नेगेटिव लिखो, कितने ऑक्सीजन बचे, कितने ऑक्सीजन बचे, यहां पर एक ऑक्सीजन बचा, ज्यादा किसको देंगे, इसको देंगे। आप रेस्पेक्टिवली इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अब आपके पास आता है N2O4 सॉलिड, सबसे पहले आप लिखो NO पॉजिटिव, फिर आप लिखो NO नेगेटिव। ज्यादा किसको देने हैं, बराबर बराबर नहीं देने हैं, एनायन को हमेशा ज्यादा मिलने चाहिए, अगर दो दो दे दोगे तो चार हो जाएंगे, लेकिन अब एनायन को ज्यादा देने हैं तो इसको अपन ने NO3 नेगेटिव कर दिया, चार ऑक्सीजन यहां पर बैलेंस हो गए। नेक्स्ट आपके पास आता है N2O5 सॉलिड। यदि मैं N2O5 सॉलिड की बात करूं, N2O5 सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करेगा बच्चों, सिंपल सी बात है, NO पॉजिटिव NO नेगेटिव, इसको एक और दे देते हैं और इसको तीन दे देते हैं, एनायन को ज्यादा देने हैं। आपसे पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, आप बता दोगे SP। आपसे पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, आप बता दोगे SP2। आपसे पूछेगा कि भाई इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप बता दोगे ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आप बता दोगे लीनियर। अरे हाँ या ना, जवाब दो सब बच्चे, सबको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट आपके पास आता है Cl2O6। नेक्स्ट आपके पास आता है Cl2O6। सिमिलरली Cl2O6 का भी ऐसे ही करना है। आप क्या करो, बराबर बराबर ऑक्सीजन देने की कोशिश करो, पहले बनाओ Clo पॉजिटिव, फिर बनाओ Clo नेगेटिव। इसको दो दे दो, तीन तीन दे नहीं सकते, इसको दो दे दो, इसको चार दे दो, आप इसका आराम से हाइब्रिडाइजेशन अब निकाल सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपके पास SP2। देन दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आप सब बच्चे अब इसको इजिली कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आगे वाले सेशन में आपके लिए हर टॉपिक की एक नई नई सुपर ट्रिक्स में लेकर के आऊंगा, जिससे आप इसको इजी, आपके लिए हर टॉपिक बहुत इजी हो जाए। तो हर बच्चे नेक्स्ट सेशन को अटेंड करें, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, आप कोड यूज करें AG10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको मेरी पर्सनल स्पेशल बैच में एंट्री मिलेगी, मेरी मेंटरशिप वाले ग्रुप में। अंडरस्टैंड। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय।